हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज भाग दो। और आज की इस वीडियो में दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, ताकि दोस्तों आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में हिंदी की महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा महाप्राण है, ठीक है। तो हम बात करें दोस्तों, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण, ठीक है। और अगर अल्पप्राण की बात करें दोस्तों हम, तो अल्पप्राण होते हैं दोस्तों 1, 3 और 5, ठीक है। और महाप्राण होते हैं दोस्तों 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ख और घ कैसे ध्वनियाँ हैं दोस्तों, महाप्राण है, ठीक है। और क और ग की बात करेंगे दोस्तों, ठीक कैसे हैं, अल्पप्राण है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अल्पप्राण में 1, 3, 5 याद रखना है और महाप्राण में 2 और 4, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है। तो विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत दोस्तों किस सन से हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1957 से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पादरी किस भाषा का शब्द है। तो पादरी है दोस्तों पुर्तगाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। तो इसमें बताना है दोस्तों आपको, वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। वह और यह, ये होते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और निजवाचक की बात करेंगे तो इसमें आता है दोस्तों स्वयं, अपने आप, ठीक है। तो ये निजवाचक में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना निर्जा किस विद्या की रचना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काव्य संग्रह, ठीक है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको इनमें से बताना है कि मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, मूर्धन्य होते हैं। क, ख, ग, घ, ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं, ठीक है। च, छ, जो दोस्तों तालव्य होते हैं। प, फ, व, ये होते हैं ओष्ठ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कारक चिन्हों को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, परसर्ग, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद शब्द में संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों संसद में, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक, ठीक है। तो संसद में दोस्तों समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है आज का, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये दोस्तों जरूर याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।